हेलो किचन मम्मी दे में आप सभी का स्वागत है। रमजान आके भी चले गए और मेरे पास घर में पड़े थे समोसे पट्टी, और वो पड़े पड़े सब समोसे पट्टी टूट गए। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने फ्रिज खोला, देखा पनीर भी है, तो मैं कुछ तो बन जाएगा इसमें, चलो आज बना लेते, पहले पट्टी का तो जुगाड़ कर ले। तो बस ये देख सकते हो कैसे पट्टियाँ सब खराब हो चुकी, टूटी टूटी पूरी सब पट्टियाँ टूटी हैं मेरी। तो मैंने बोला अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब इसका क्या बनाऊँ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर तो मैंने सारे पट्टियों को एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज कर लिया सब एक जैसे, एंड देन ये देखिए, एंड देन नाइफ लिया और उससे मैंने ऐसे कट कर दिया एकदम बारीक बारीक, जितना बारीक आप कर सकते हो उतना बारीक कट करना। लोगों मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, देखिए ऐसे जितना बारीक हो सके आपसे उतना बारीक कर लेना। तो इसी तरह मैं सब पूरा पट्टी बारीक बारीक कर ले रही हूँ, और मैंने वो फेंकने से अच्छा यूज़ भी हो जाए, बड़े मज़े के रख रहे थे। तो बस इसी तरह मैंने सब, और दिखने में कितना मस्त लग रहा है ना। तो बस ये तो मैंने ऐसे कट कर लिए, और मेरे पास पनीर थे 200 ग्राम के क्यूब्स जो आते हैं ना वो, उसको मैंने ऐसे ऐसे कट कर लिया सब। और अब बस इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा मसाला या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा स्पाइसी और चटपटा के लिए मैंने इसमें सेजवान का चटनी डाला है, और इसे अच्छे से सब में मिला लेंगे। अगर सेजवान चटनी और लगा तब और ले लेना, और एक में मिक्स करने के टाइम टूट गया कोई नहीं, हम उसको भी बना लेंगे। एंड देन एक स्लरी तैयार करते, कॉर्नफ्लावर मैदा डाल देंगे, उसमें नमक डाल देंगे, एंड साथ में पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा घोल नहीं और ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं, एक नॉर्मल चाहिए, ये देख सकते हैं ऐसे चाहिए हमें। तो बस अब ये सब तैयार भी हो गए, तो आ जाओ बना लेते। तो बस एक पनीर का क्यूब्स लेंगे, इसमें ना ऑलरेडी वो है, लेकिन तो भी मैं इसे एक बार इसमें ऐसे डिप कर देती हूँ, एंड देन फिर ये पट्टी इसको स्टिक कर लेंगे इसमें, धीरे धीरे ऐसे प्रेस कर करके इसे अच्छे से दबा देंगे। और ये कि मैंने बड़े मज़े के लग रहे थे, और इतनी क्रिस्प लग रही, इतनी हो लाजवाब भी लाजवाब। तो बस इसी तरह मैंने सब बना लिए, एक मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसे डीप करना है, देन ये समोसे पट्टी में रैप करना है, अच्छे से कवर कर देना है, थोड़ा सा प्रेस कर करके, एकदम ही प्रेस मत करना नहीं तो ये लच्छे दब जाएंगे, एकदम ही लच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए हल्का हल्का से प्रेस करना है बस। तो बस इसी तरह मैंने सारे पट्टियों को ना इसको बनाया पनीर, और मेरे पास 5-6 बने क्योंकि मेरे पनीर ख़त्म हो गए थे, पनीर नहीं ये पट्टी ख़त्म हो गई। तो बस और इसे मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, नॉर्मल रूम फ्रिज में, फ्रिज में नहीं फ्रिज में सेट हो जाने को। जब ये देखिए सेट भी हो गया अच्छे से, तो बस अब तेल मीडियम हॉट है, इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लें। अगर एक दो निकला ऐसे ना तो कोई वो टेंशन नहीं है, चलता है इतना। और बस इसे अब मैं ऐसे तेल ऊपर ऊपर डाल डाल के ऊपर भी कुक होता रहे ऐसे मैं फ्राई करूँगी। और यकीन मैंने बड़ी मज़े कर लग रही थी, और ऐसे उलट पुलट के मैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कितना लच्छेदार और कितना क्रंची दिख रहे हैं जब से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तब तक मैं, आप अगर चैनल पे नए होंगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मेरी आती रहे और आपको मिलती रहे, और आप भी नए नए रेसिपी के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और ट्राई करते रहें। तो बस इसी तरह देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है, एकदम समोसे की तरह क्रंची। तो मैंने इसी तरह सब पट्टियाँ छान ली, तो आपको अगर मैं दिखाऊंगी तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी कितना क्रंची दिख रहा है। तो आज आप प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट, तो बस प्लेटिंग कर लेंगे, और आप कलर देख सकते कितने यम दिख रहे हैं ना, तो ज़रूर आप ट्राई करना, मुझे बताना कैसे लगा। तब तक खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और हाँ कमेंट्स करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।